14 के बाद एक ऐसा सिनेरियो शुरू हो गया है जहां पर नफरत को टीवी चैनलों के जरिए परोसा जा रहा है। ये सिनेरियो 2014 के बाद तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी बीते पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने यूपीएससी जिहाद तक इस नफरत के एजेंडे को फैलाया गया। इसी के साथ सुदर्शन के इस एपिसोड को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर कार्रवाई भी की जाने की बात की गई, लेकिन उस पर रोक ना लग सकी। जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने उसे ऑन एयर किया, लेकिन इन सबसे परे जो एक नया मुद्दा खड़ा हो गया वो ये था कि यूपीएससी जिहाद जैसे प्रोग्राम में चलाने के लिए उन्हें जकात फाउंडेशन को टारगेट करना पड़ा। तमाम तरह के उन लोगों ने एलिगेशंस लगाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जफर महमूद साहब, जो कि जकात फाउंडेशन के सदर भी हैं। तो सर, आपका सबसे पहले कल्पनी में स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सुदर्शन ने जिस तरह से जकात फाउंडेशन को एक जिहादी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बता दिया है जहां पर यूपीएससी में जो भी आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं वो जिहादी होते हैं, तो इस तरह के जो एलिगेशंस लगाए गए आप उसे किस तरह से देखते हैं? हाँ, वो तो एक मेंटालिटी है, एक ज़हनियत है, एक मानसिकता है। वो एक खास एजेंडा है कि किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है उसको ख़राब करने के लिए समाज में भ्रम पैदा किया जाए, कुशुबात पैदा किए जाएं, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इत्तलात मुहैया कर दी जाएं, प्लांट कर दी जाएं वगैरह। तो एक बहुत छोटा सा एक तबका है, मखल में 1% भी नहीं है वो मुल्क का, वो इस एजेंडे में लगे रहते हैं। और ये ज़कात फाउंडेशन और सिविल सर्विसेज तो उनके जहन में अब आए हैं, लेकिन ये कि वो जब से ही करीब 10-12-13 साल से यही काम कर रहे हैं, किसी न किसी को नेगेटिवली ले करके और उसको इल्ज़ाम तराशी करके और उसको उसके ज़रिए पूरी मिल्लत को शो डाउन करने की कोशिश की जाती रही है, ताकि वही जो आपने अभी फरमाया था कि मुख्तलिफ मज़हब के तबक़ात के बीच में किसी तरह से नफरत और पैदा हो, भाईचारा कम हो, ये एक एजेंडा है। लेकिन ये कि चूंकि 99% तकरीबन 98% लोग बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बिल्कुल सही जगह के ऊपर लगा हुआ है, तो लिहाजा ये कि ये जो समाज की खराबी है ये बहुत कोई नुकसान कर नहीं पा रही है। और जिहादी कह देना तो बहुत ही आसान काम है, हालांकि जिहाद का तो कॉन्सेप्ट बड़ा पाक और बड़ा अच्छा मजबूत कॉन्सेप्ट है, बड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो तो अगर कोई बेजा मुखालिफत करता है, बेजा तनकीद करता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो उससे भी अगर जो अच्छा करने वाले लोग हैं उनका अच्छा काम और निखरता है। जफर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उड़ान फाउंडेशन की जो फंडिंग है उसको लेकर भी आप लोगों पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार उठाया जा रहा है। तो ये जो एलिगेशन आप पर, खासकर ये जो फंडिंग को लेकर लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या, इसे आप किस तरह से देखते हैं और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो उड़ान स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, वो सारी माइनॉरिटीज़ के लिए है, सिविल सर्विसेज की कोचिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उसमें इमदाद देने के लिए ये है। और बहुत से लोग उसका इस्तेफादा भी कर रहे हैं, लेकिन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अभी तक उसका कोई इस्तेफादा कभी भी नहीं किया है उस स्कीम का। बाकी उसके अलावा भी जो इल्ज़ाम लगे हैं कि ज़कात फाउंडेशन की फंडिंग जो है उसको शकूक और शुबहात के दायरे में है, तो उस बारे में मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि अब तक ज़कात फाउंडेशन की जो टोटल फंडिंग हुई है वो टोटल, जब से ज़कात फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के तौर पर कायम हुआ है और उसके अकाउंट्स वगैरह ऑडिट करवाए गए हैं, 20 साल तकरीबन हो गए, 20वां साल है, तो इस दौरान जो टोटल फंडिंग ज़कात फाउंडेशन की हुई है उसमें से पहली बात ये समझ लें, उसमें से 90% से ज़्यादा जो है हिंदुस्तान के अंदर की फंडिंग है पूरी। और दूसरी बात ये कि जो ज़कात फाउंडेशन की फंडिंग हिंदुस्तान के बाहर की है भी, उसमें से भी जो बड़ा हिस्सा है वो वहाँ जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस रहते हैं वो उनकी है, वो उतने ही इंडियंस हैं जितने कि हम और आप इंडियंस हैं, तो उनके लिए एक आसानी क्रिएट करने के लिए
ताकि उनको वहाँ भी टैक्स का फायदा मिले और हमारे मुल्क के जो कानून हैं वो उसके तहत सब बराबर चलता रहे। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है ज़कात फाउंडेशन पिछले 16 साल से, हर साल उसके रिटर्न दाखिल होते हैं, वो रिटर्न एक्सेप्ट हुए हैं हर साल 16 के 16 सब एक्सेप्ट हुए हैं। हर 5 साल के ऊपर छानबीन करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो करती है, रिन्यूअल करती है, तो वो रिन्यूअल भी अब तक होते चले आ रहे हैं और अभी इस वक्त भी रिन्यूड है। और इस वक्त जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो होम मिनिस्ट्री के सीआरए का अप्रूवल है हमारे पास, और एक एक पैसा जो कहीं से भी बाहर से आया है, इवन वो बहुत मामूली है 10% से कम, लेकिन वो सब भी सारा रिपोर्टेड है उसमें, कहाँ से किस तंजीम से या किस फर्द से कितना आया वो सब चीज़ फुल्ली रिपोर्टेड है, जिसको कि छानबीन हो चुकी है वहाँ होम मिनिस्ट्री में, छानबीन हो चुकी है और उन्होंने उसको सही पाया। और उसके अलावा एक और बड़ी अहम इसके अंदर नुक्ता है वो ये कि जो टोटल फंडिंग है उसमें से कोई 4.5% ही इन 4 डोनर से आया है जिनके बारे में खासतौर से इन्होंने जिक्र किया है कि वो शकूक शुबात के दायरे में है। हालांकि उसमें से कोई भी शकूक शुबात के दायरे में नहीं, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शक के दायरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा ये कि जहाँ जहाँ वो मुल्कों में हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, वहाँ की गवर्नमेंट के भी शक के दायरे में नहीं है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उनको एक्सेप्ट कर रखा है। लेकिन ये कि अगर किसी के जहन में आ रहा है कि भाई किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ खराबी निकालें नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए ताकि हमारी टीआरपी बढ़े, तो वो उनका काम है, वो जाने वो सियासत कर रहे हैं कुछ, लेकिन हमें तो अपना अच्छा काम करते रहना है। हम अच्छा काम अपना किए जा रहे हैं और तो पूरी तरह से दस्तूरी दायरे के अंदर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेम पेज के ऊपर हैं। क्योंकि इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि ज़कात फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को बढ़ावा देती है, और अब तक पूरा चार्ट भी अगर उठा के देखे इस सुदर्शन के मुताबिक तो उसमें हिंदू बच्चों को आप लोगों ने कभी बढ़ावा नहीं दिया या उन लोगों को कभी आप लोगों ने आगे आने नहीं दिया। कितनी सच्चाई है ये एपिसोड्स दिखाने में, जिस तरह से पूरा का एक प्रोसीजर दिखाया गया, बकायदा एक पैकेज चलाया गया है इसके ऊपर। वैसे तो देखिए मैं आपको ये अर्ज करूँ कि ये ज़कात फाउंडेशन में ये काम 2007 में शुरू हुआ है, उसके पहले शुरू के 10 साल यानी कि 1997 में हमने इनफॉर्मल काम शुरू कर दिया था, 2001 में हमारा फॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी हो गया। लेकिन 1997 से लेकर 2007 तक तो हम खाली यतीम खाने और बेवाओं के मत की मदद और गरीब बच्चियों की शादी और मरीजों का इलाज और स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप सिर्फ यही करते थे, वो सब काम अभी भी हम करते हैं। लेकिन ये कि जस्टिस सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आ गई जिसमें ये हो गया कि मुसलमान हर फील्ड में, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल हर फील्ड में बाकी सब मज़हब के मानने वालों के मुकाबले पीछे हैं और ज़्यादातर जो है शुरू का से भी पीछे हैं। तो उसकी वजह भी बताई सेक्टर कमेटी ने कि उसकी वजह यह है कि मुसलमान जो हैं उनकी उनकी जो उनका जो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी नुमाइंदगी वो हुक्मरानी में बहुत कम है अपनी आबादी के हिसाब से। आबादी 14% है 2011 के मर्दमशुमारी के हिसाब से, और 2.5% तक या उससे कम पे टिकी हुई थी रिप्रेजेंटेशन हमारा। तो ये था कि भाई उसको बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का काम तो है ही है, वो आर्टिकल 15 और 16 में गवर्नमेंट कर रही है। आर्टिकल 15 16 में गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो समाज के कमज़ोर तबके हों उनको उठा करके कौमी सतह पर लाने के लिए जो मजबूत कार्रवाई है एफर्मेटिव एक्शन वो करें। तो उन्होंने बहुत सी स्कीमें, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी इसीलिए बनी है, बहुत सी और सब माइनॉरिटीज़ के लिए, खाली एक्ट के लिए नहीं, उसकी स्कीमें वगैरह चल रही हैं। लेकिन ज़कात फाउंडेशन ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर अपने यहाँ एक नया शोबा कायम किया कि गवर्नमेंट की जो ये कार्रवाई चल रही है उसमें उनकी मदद की जाए। उनकी मदद करने के सिलसिले में उन्होंने सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज कायम किया, और उसमें मुल्क भर से जो है वो काम जो काबिल तरीन बच्चे हैं उनको टेस्ट के ज़रिए सेलेक्ट करके ला करके, और दिल्ली में ही सारे कामयाब तरीन प्रोफेशनली रन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर उन्हें सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फैसिलिटी में अपने रख करके और उनका दाखला वहाँ इंस्टीट्यूट्स में करा देते हैं। उसकी फ़ीस 90% हम देते हैं, 10% बच्चा देता है, वो कामयाब चल रहा है मॉडल। तो जब उसकी कामयाबी शुरू हो गई
10 साल बेकार फाउंडेशन को हो गए थे, उसके बाद फिर ये काम शुरू किया, तो 10 साल तक तो कोई प्रॉब्लम इनको हुई नहीं। तो उसके बाद जब ये काम शुरू हो गया और जो नादार तबके हैं, डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनकी उनका जब एम्पावरमेंट उनको बाख्तियार बनाने की नतीजे निकलने लगे कोशिशों के, तब इनकी प्रॉब्लम हुई। तब इन्होंने सोचा लाओ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कोई खराबी निकालने की कोशिश करें। आपने सिविल सर्विसेज का एक लंबा दौर देखा है, आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ भी आप उनकी टीम में शामिल थे, आपका पूरा एक पारिवारिक एक सिविल सर्विसेज का एक पूरा एक दौर के साथ साथ एक पूरा ज़कात का जो ये पूरा आप तमाम एक पूरा एक दौर को आप देखते हैं जहाँ बच्चे भी निकले हैं, आप भी उसमें रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई मुसलमानों को 10% का कोटा मिला है यूपीएससी क्लियर करने के नाम पे? नहीं, इसमें इसका जवाब देने से पहले मैं पिछला जो आपका सवाल था उसका एक पार्ट रह गया था वो मैं अर्ज कर दूं कि सभी मजहब के मानने वाले हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे कहीं भी ये नहीं लिखा है, ना कोई नोटिफिकेशन में इसका जिक्र है कि किसी खास मजहब के लिए, तो कोई भी अपना हमारे यहाँ अप्लाई करता है और उसको अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, ग्रेजुएट है और उम्र की जो कैद है वो है, तो वो हमारे ऑनलाइन इम्तिहान में बैठ सकता है। और उसके पहले ऑफलाइन भी होते रहे हैं लेकिन अब तो ऑनलाइन है, और उसमें मेरिट के बेसिस पे जो भी कामयाब हो जाता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन जो हमारे नतायज रहे हैं उसमें भी है, निकलता है बराबर से। जो 2020 में हमारे 27 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 4 बच्चे मुसलमान नहीं हैं, और पिछले 11 साल के अंदर इस साल का मिलाते हुए 149 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से 15 बच्चे मुसलमान नहीं हैं। तो 10% या उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन गैर मुस्लिमों का ज़कात फाउंडेशन के नतायज में हमेशा रहा है, एक तो मैं आपको ये अर्ज कर दिया मैंने। उसके अलावा अभी आप मुझसे पूछ रही थी जो बात क्या थी वो? सर ये कि सुदर्शन लगातार ये कह रहा है कि 10% का कोटा मुसलमानों को दिया गया है ताकि वो यूपीएससी सर्विसेज में अपनी भागीदारी निभा कर उसमें मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई जाए। तो वो ऑर्डर की कॉपी हमें दे देना भाई, जहाँ कोटा दिया गया है मुसलमानों का, फिर तो हम जा कर के क्लेम करें कि भाई 10% तो है ही है कोटा, तो फिर आपने हमारे यहाँ हमारे बच्चे खाली 5% क्यों सिलेक्ट हुए जब 10% का कोटा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली बेसलेस है, इसमें कोई हकीकत है ही नहीं। मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी नहीं रहा, कभी है ही नहीं, तो अभी भी कहीं नहीं है, और मेरे ख्याल में अच्छा ही है। इस वजह से कि मुसलमान अपने बलबूते के ऊपर जनरल कैटेगरी में ही सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगर रिजर्वेशन होता तो फिर उतना ज़्यादा शायद दिलचस्पी लेते नहीं, इसलिए कि इतने सेलेक्ट होना ही होना है, लेकिन अब तो मेहनत करके और पूरी तगोदौ से एफर्ट करके और अगले को पिछाड़ करके मुसलमान अपनी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर आ रहे हैं। एक मशहूर कहावत है अंग्रेजी की कि टैलेंट इज अ थीस्ट, यानी कि अपनी मेहनत से हासिल किया हुआ जो हुनर होता है इंसान के अंदर, उस हुनर का कोई मजहब नहीं होता, वो मजहब से ऊपर अपने आप हुनर अपने को उठा लेता है। तो लिहाजा ये कि मुसलमान जो है वो अपनी मेहनत से अब नई एक तरह से एक पिछले 10-12 साल के अंदर एक जान पड़ी है मिल्लत के अंदर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 40 जगह पे पूरे हिंदुस्तान में 40 मकामात के ऊपर मैंने खुद प्रेजेंटेशन किया है सिविल सर्विसेज ओरिएंटेशन के ताल्लुक से, और एक एक उसमें से एक एक प्रोग्राम में औसतन 600-700 बच्चे शामिल रहे हैं। तो अब एक रियलाइजेशन आ गया है लोगों के अंदर, अब वो अपनी काबिल बच्चों की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि उनको खाली मालूमात नहीं थी और उनके अंदर एक जो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके आने लगा है, तो अब ये और परसेंटेज बढ़ेगी इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जितनी गलत फ्रेमिंग
ज़कात फाउंडेशन को लेकर सुदर्शन ने करनी थी वो कर दी। चार एपिसोड्स के तौर पे वो तमाम यूपीएससी जिहाद और ज़कात फाउंडेशन के नाम पर वो कर चुके। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ज़कात फाउंडेशन का अगला स्टेप क्या होगा इन सब गलत मतलब इन सब एलिगेशंस को लेकर या आप लोगों की छवि धूमिल करने को लेकर। ऐसा है कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारा हर शोभा एक एक मिनट अपने मजबूत कार्रवाई में लगाए, पॉजिटिव वर्क में लगाए, जैसा कि हम अब तक करते रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब समाज जो है वो तो उसकी फितरत बदली नहीं जा सकती। उसमें से बहुत कम, मैंने अभी आपको अर्ज किया, 1% लोग हैं जो ज़रा नेगेटिव हैं। लेकिन ये कि वो अगर उन्होंने कोई अगर क्यों की ही है, गैर कानूनी और गैर दस्तूरी हरकत की है, तो उसको अभी हमारे यहाँ एग्जाम किया जा रहा है लीगल सेल के ज़रिए, और उसमें जो ज़रूरी कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से वो ज़रूर की जाएगी इंशाल्लाह। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।